गुड मॉर्निंग। अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 200/65। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कीजिए 65 से 200 को। कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में। 195 माइनस किया, कितना बचा? 5। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये 3 साइड पे, ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किया है वो आएगा नीचे। और ये क्वेश्चन कंप्लीट जो है सारा इसी तरह से डिवाइड करके करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट इनटू, ये कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट में इसी तरह से डिवाइड करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए 38/50। इसको करने के लिए पहले किस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं? साइड पर मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 × 15 कितने टाइम जाएगा? 5 × 40 4, 5 × 15 = 4 19, 1 × 8 + 3 = 0 17 × 1 = 4 = 5 570। अब 570 में यू 2 प्लस किया तो कितना आ गया? 572 + 15 हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको कंप्लीट क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ड्रॉ द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर लाइन को ड्रॉ करके और लोकेट करना है। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट, और उस पर लोकेट करना है। अब लोकेट करने के लिए आप दिए हुए हैं, देखो क्वेश्चन ए 1/5 1/2 4/5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1/5 1/2 4/5 4/5 और 1/5 1/2 sorry 1/5 1/2 4/5 and 5/5। हमें इसको लोकेट करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसके अंदर ये हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, नंबर लाइन बना के देखिए आप इसमें 0 0 के बाद में ये हमारे आते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 में 5/5 हो जाता है, 5/5 का मतलब है 1। तो अब 1/5 ये वाला पार्ट हो गया, यानी ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ठीक, और ये हो गया 4/5, ये हो गए आपके नंबर लाइन पर लोकेट। नेक्स्ट देखिए बी क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन ए की तरह ही करना है, यानी इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट इस तरह से, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट लाइक दिस, एंड क्वेश्चन नंबर 3 लाइक दिस ऑन नंबर लाइन। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।